पिछले एपिसोड में हमने स्लैशर हॉरर पर डिस्कशन किया था और लॉजिकली समझने के बाद उसे कुछ रेटिंग्स भी दिए थे। अब जो यहाँ नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां हम हॉरर के हर एक पर्टिकुलर सब जॉनर को डीप डिटेल में एनालाइज करेंगे और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कौन सा सब जॉनर है सबसे बेस्ट। तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में ऑफ द सीरीज विच हॉरर जॉनर इज द बेस्ट। क्रिएचर एक ऐसा हॉरर का सब जॉनर है जो क्रिएचर या मॉन्स्टर पर इवॉल्व करता है। ये अपने विक्टिम्स को चीर फाड़ देते हैं या तो डरा के उन्हें कमजोर करके उन पे फीड करते हैं। ये इंसान या जानवर किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं और हमें इल्यूजंस क्रिएट करके कुछ भी दिखा सकते हैं। ये मूवीज अपने ऑडियंस को एक अलग ही सेगमेंट में ले जाती है जहां एक प्रोटैगनिस्ट से 100x ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक एंटैगनिस्ट होता है। अब एक हीरो एक ऐसे थ्रेट से कैसे लड़ेगा जो पहली बात इंसान ही नहीं है और वो उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस यही सस्पेंस पिक्चर आपको दिखाना चाहती है जो कि वाकई में एक डरावना सेगमेंट है, लेकिन पिक्चर यहां डरा नहीं पाती और ये बात मेकर्स को अच्छे से पता है। लेकिन मेकर्स को ये भी पता है कब और कैसे डराना है। इन मूवीज का हॉरर बेसिकली 3 एलिमेंट पर रिलाई करता है। जंप स्केयर्स, इंटेंस चेजिंग सीन्स, appearance. Why are you like this? Not every child can be as perfect as you, Peter. I was just born this way, and no one loves a monster. लेकिन इन सब के बावजूद भी इस जॉनर के पास एक और सेगमेंट है जिसके कारण ऑडियंस की नजर टिकी रहती है, सस्पेंस। मेकर्स पूरे पिक्चर में एंटिटी को या तो पार्शियली रिवील करेंगे या तो बिल्कुल नहीं, जिसके कारण उसका फुल अपीयरेंस ऑडियंस में डिमांड बन जाता है। वैसे ही उसकी बैक स्टोरी को भी रिवील नहीं किया जाता, सरप्राइजिंगली वो भी ऑडियंस में डिमांड बन जाता है कि वो कहां से आया, वो इस दुनिया का है भी या नहीं, वो इंसान कभी हुआ करता था, वगैरह वगैरह। मेकर्स ये सब धीरे धीरे रिवील करते हैं या तो सब कुछ लेके एक बार में क्लाइमेक्स में पटक देंगे। अगर इसका रिसेंट एग्जाम्पल देना हो तो कॉबवेब मैंने रिसेंटली देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, देख सकते हो। पूरे पिक्चर में सस्पेंस बिल्ड रहता है और लास्ट में जाके सब कुछ रिवील होता है तो मजा आता है। बैक टू द टॉपिक, इट आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली पिक्चर है जो कि एक क्रिएचर हॉरर में ही आता है। यहाँ तक कि अ क्वाइट प्लेस ऑस्कर तक के लिए नॉमिनेट हुई थी जो कि एक क्रिएचर हॉरर है। बेसिकली क्रिएचर हॉरर ने हॉरर जॉनर को बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इसे रेटिंग्स दें। अगर स्कैरी सेगमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से 4 out of 5 की रेटिंग मिलनी चाहिए क्योंकि इन मूवीज में डराने की पोटेंशियल है और ये डरा भी पाती है। अगर डिस्टर्बिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से ये मूवीज ठीक ठाक डिस्टर्ब करती है, ना ज्यादा ना कम, तो मेरे हिसाब से इसे मिलना चाहिए 3 out of 5 की रेटिंग्स। अब अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो क्रिएचर हॉरर को मिलता है 3.5 out of 5 की रेटिंग्स। आप अपनी रेटिंग्स कमेंट करना मत भूलना क्योंकि उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। जाने से पहले episode 1 देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला एपिसोड या तो साइकोलॉजिकल या तो डेमोनिक हॉरर के बारे में बात करेंगे, तो उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।